हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेलकम टू अल्फा एच एकेडमी एंड वी आर एट द लेक्चर नंबर 8. एंड टुडे वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेंडेल्स एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस. देखो, इनहेरिटेंस होता क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे डीएनए में हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन छिपी हुई होती है. उसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपका जो है बिल्डअप होता है. आपके जीन्स बनते हैं, कुछ आप जीन्स इनहेरिट करते हो, वो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं. बट देन वो जीन कैसे मैनिफेस्ट होते हैं, कैसे आप दिखते हो, ठीक है? तो जो आप जीन लेते हो तो वो तो आपका हो गया जीनोटाइप, ठीक है? और जैसे आप दिखते हो तो फिनोटाइप. तो उन जीन का मैनिफेस्टेशन को क्या बोलेंगे? फिनोटाइप, ठीक है? भाई, एक पौधा है, उसने हरे कलर का जीन इनहेरिट किया, बट लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि उसने हरे कलर का लिया? वो हरा कलर का दिखेगा तभी ना आपको पता चलेगा, ठीक है? तो ये तो फर्क हो गया जीनोटाइप और फिनोटाइप के बीच में. मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट क्या था? एक तो ग्रेगोर मेंडल थे, उन्होंने क्या स्टडी किया? उन्होंने स्टडी किया पी प्लांट को, ठीक है? लगभग लगभग 7 साल, ठीक है? लगभग लगभग 7 साल उन्होंने 1856 से 1863 तक पी प्लांट को स्टडी किया और उन्होंने वेरियस चीजें देखी, ठीक है? और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े. उन्होंने जब उन्होंने फर्स्ट उन्होंने कुछ क्रॉस किया आपस में, ठीक है? उसके बाद कुछ क्रॉस उनको F1, जो फर्स्ट क्रॉस के बाद उन्हें रिजल्ट मिला उसको उन्होंने F1 बोल दिया. फिर उसको फिर क्रॉस कराया, उसको F2 बोल दिया. आगे हम देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो आज के टाइम पे आप जिसे जीन्स बोलते हो, तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि यार आपके, क्योंकि उस टाइम जीन्स नहीं था, जीन्स वर्ड बाद में आए. जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया तो मेंडल ने पाया कि यार कुछ तो भी डीएनए के अंदर कुछ तो भी जो है आपस में, आप कह लो कि कुछ तो भी दो चीजें हैं जुड़ी हुई आपस में जो कि मैनिफेस्ट कर रही हैं, या जो कि आपको कुछ चीज अलग दे रही हैं, आपको फिनोटाइप दे रही हैं, ठीक है? तो उसको उन्होंने कहा अलील्स, ठीक है? तो आज जिसे आप जीन्स कहते हो उसको उस टाइम अलील्स कहा गया, ठीक है? अलील्स तो ये होते पेयर में ही है. उन्होंने कहा कि यार कुछ तो भी पेयर है जो मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ और चीज, ठीक है? तो उस पेयर को उन्होंने नाम दे दिया अलील, ठीक है? अब उसके बेस पे उन्होंने 3 लॉज दिए. एक आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अब उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हेटरोजाइगस एंड होमोजाइगस कंडीशन का. हेटरोजाइगस एंड होमोजाइगस कंडीशंस का देखो, हेटरोजाइगस क्या है कि मान लिया अगर मैं आपको, आपकी आपको पता है एक्स एक्स क्या हो गया? फीमेल. एक्स वाई क्या हो गया? मेल, ठीक है? अब हेटरोजाइगस क्या हो गया आपका? एक्स एक्स, ओ सॉरी, एक्स वाई, वाई एक्स, मतलब कुछ भी अलग अलग, ठीक है? हेटरो अलग अलग. होमोजाइगस क्या हो गया आपका? एक्स एक्स, वाई वाई, ये आपके होमोजाइगस एलील्स हो गए, ठीक है? उसके बाद उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील का. फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे देखते हैं, चलो मैं आपको ऐसे समझाता हूं. टी एक ट्रेट, बड़ा टी जो है वो, अगर आप बड़ा टी लेंगे अपनी बॉडी के अंदर तो वो आपको टॉल बनाएगा, और छोटा टी लेंगे तो आप डॉर्फ हो जाएंगे, ठीक है? अब उन्होंने बोला कि ये जो बड़ा वाला टी है ये डोमिनेंट अलील है. अब डोमिनेंट अलील का मतलब हो गया कि डोमिनेंट अलील चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, होमोजाइगस में हो, चाहे हेटरोजाइगस में हो, वो अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा ही करेगा. मान लिया वो टी टी है तो आप टॉल ही रहेंगे, मान लिया वो टी टी है तो भी आप टॉल रहेंगे, मान लिया पहले आप ड्रॉप फिर आपने टी इनहेरिट किया तो भी आप टॉल रहेंगे, ठीक है? तो आपके पास 4 आउटकम्स आते हैं, ठीक है? दो के उसके बाद अगर सिर्फ जब टी टी होगा तो वो डॉर्फ होगा. तो उन्होंने बोला कि भैया जो भी रिसेसिव एलील है वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा, जो डोमिनेंट एलील है वो अपने आप को कभी भी, चाहे वो हेटरोजाइगस हो चाहे होमोजाइगस हो, अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा ही, क्योंकि वो होमोजाइगस कंडीशन को में भी अपने आप को मैनिफेस्ट कर पा रहा है एंड हेटरोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को मैनिफेस्ट कर पा रहा है, इसलिए उसको नाम दे दिया उन्होंने डोमिनेंट अलील, ठीक है? इसी के बेसिस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिए गए. अब ये है क्या? देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है कि जो मैंने आपको डोमिनेंस बताया कि जो डोमिनेंट अलील होगा, जो डिफरेंट दोनों अलील में से जो डोमिनेंट अलील होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है? तो मान लिया यहां पे ये टी बड़ा टी डोमिनेंट अलील है,
तो जहां जहां ये होगा वहां ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन जहां ये नहीं होगा वहां पे, अब यहाँ पे तो बड़ा टी है नहीं, तो यहाँ पे छोटा टी डोमिनेंट एलील हो गया, तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, डॉर्फिज्म आ जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोला उन्होंने कि भैया जो दोनों अलील हैं ये रहते तो साथ में हैं बट ये एक दूसरे का फंक्शन अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, ये जो हैं रहेंगे एक ही गैमेट में, तो गैमेट क्या हो गया आपका, आपके आप रिप्रोडक्टिव सेल्स मान लो गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स पे तो वो रहेंगे ही, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे का काम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, सॉरी, दूसरे काम उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वेरी सॉरी वेरी सॉरी, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन डजेंट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अदर जीन। ठीक है, एक जो जीन आप इनहेरिट करेंगे उस इसका जो दूसरा जीन इनहेरिट करेंगे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन डजेंट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अदर जीन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है कि भैया जो आप यहां पे देख रहे थे कि जब तक टी टी था तब तक टॉल आ रहा था, जैसे दो छोटे टी आए तो डॉर्फ आ गया। तो यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि भैया हेटरोजाइगस कंडीशन में तो डोमिनेंट अपने आप को बड़ा बनेगा, बट देन जैसे ही आप होमोजाइगस कंडीशन में जो है जो आपका रिसेसिव एलील है वो भी अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा। ठीक है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में और क्या होता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक बात और बोली कि भैया आप जो है ऐसा नहीं है कि कंप्लीट मैनिफेस्टेशन होता है, मिक्स होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर बड़ा आर रेड है और छोटा आर ग्रीन है तो ऐसा नहीं कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि रेड ही आए क्योंकि रेड डोमिनेंट एलील है, बट देन रेड और ग्रीन का मिक्सचर आएगा। ठीक है, तो ये बात की गई थी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, ये मतलब एक और उसका एक और पहलू है। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने आपको बता दिया कि भैया एक तो वो दूसरे को एक दूसरे काम को इफेक्ट नहीं करेगा, देन हेटरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट रिसेसिव एलील अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, बट जैसे ही वो होमोजाइगस कंडीशन में आएगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है कि इसको रहने दो आप, ये वाला डायग्राम मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, एक क्रॉस बना के देख लेंगे हम, क्रॉस क्या होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या हुआ, पैटर्नल जनरेशन, भाई ये आप मान लो कि ये एक प्लांट के पापा हैं, ठीक है, ये प्लांट की मम्मी है। ठीक है, तो भैया इनके पास क्या था, टीटी था, ये टॉल थे, इनके पास मम्मी मम्मी जी थोड़ा छोटी थी, तो इनके पास क्या था, ये डॉर्फिज्म थी, थोड़ी छोटी थी हाइट में। अब क्या हुआ, जब F1 जनरेशन हुई, जब फर्स्ट क्रॉस हुआ, तो देखो जब आप टीटी बनाते हो ना ऐसे बनता है ये टीटी टीटी। ठीक है, अब इसमें से आप लोगे तो एक ही, क्योंकि गैमेट इस गैमेट में से आएगा तो एक ही। ठीक है, तो यहाँ टी आ गया, यहाँ से आपने छोटा टी आ गया, अब इसे क्रॉस करोगे आप, क्रॉस कभी सिंगल क्रॉस तो होगा नहीं भाई, दो के कितना आएगा, चार आएंगे, तो पहले क्रॉस में क्या होगा, सॉरी एक ही क्रॉस आएगा इसमें, तो दो के चार आते हैं। ठीक है, टी और टी। ठीक है, अब आपके पास ये क्या आ गया, F1 जनरेशन, ये क्या आ गया आपके पास, F1 जनरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं, फिर आपने क्रॉस किया, अब आपके पास देखो, अब पहले तो आपके सिंगल गैमेट्स थे, टी टी था, आपने क्या लिया, ये वाला टी छोटा टी आपने क्रॉस किया, आपके पास ये टी टी आ गया, अब आपके पास ये एक सिंगल टी है, अब इसे आपस में क्रॉस कराओगे आप टी टी को टी टी को। ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगा, ये एक आएगा आपका, ये ऐसे आएगा, अभी क्रॉस कैसे होगा, देखो ये चारों गैमेट्स हैं लगे। ठीक है, तो एक क्या बनेगा आपका, बड़ा टी, फिर एक बड़ा टी छोटा टी, फिर छोटा टी बड़ा टी, फिर टी टी, क्या होगा, ये डोमिनेंट एलील टॉल कितनी, ये अब ये भी बड़ा टी क्या है, डोमिनेंट एलील है, मैंने आपको बता दिया, तो ये तीनों डॉ वो आएंगे और चौथा वाला डॉर्फ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या रेशियो होगा, 3:1। ऐसे ही आप आगे भी इसको क्रॉस कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ क्रॉस होते हैं, जिन बच्चों का एंथ्रोपोलॉजी होगी उन्हें पता होगा, वो तो 3-4 क्रॉस तक चले जाते हैं और चौथे पांचवें क्रॉस के बाद तो आदमी का दिमाग ही खराब हो जाता है, कितना डिफिकल्ट होता है ये क्रॉस बनाना। ठीक है, बट हमें जो है सिंपल क्रॉस समझना था,
ये ऐसे क्लॉज होता है, इससे हम आगे भी आपका सेक्स डिटर्मिनेशन भी करेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या कि मेंडल ने ये सब दे दी। अच्छा, उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या होता है कि बेसिकली कोई एक सिंगल जो अलील होता है वो अपने आप को मैनिफेस्ट पूरी तरीके से नहीं करता। ठीक है, जो दोनों अलील हैं वो आपस में एक दूसरे से मिल बांट के ही एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता है उनका, और जो है तब जाके आपका फिनोटाइप निकलता है, या जो आपको जो बाय प्रोडक्ट है, आउट प्रोडक्ट है, वो निकलता है। ठीक है, कोडोमिनेंस क्या होता है कि बेसिकली दोनों डोमिनेट कर जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस होती है दोनों की, बराबर बराबर 50-50 वाला रेशियो हो जाता है। ठीक है, इसका बहुत उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप्स है। ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे आपको किस दिन, तो उस दिन आपको बताएंगे कि क्रोमोजोम वो आपका कोडोमिनेंस कैसे वर्क करता है। ठीक है, बट हमें पासिंग रेफरेंस चाहिए, हमें ज्यादा नहीं पूछना है अंदर। देन क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं। अच्छा, हुआ क्या कि मेंडल ने तो अपनी थ्योरी दे दी, जो उनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट था, उसको जो हम मायोसिस में भी देख लेते हैं। मायोसिस क्या था? मायोसिस और मिटोसिस क्या था? सेल डिवीजन के पार्ट थे। मिटोसिस क्या होता है कि किसी भी सेल का डिवीजन होना, मियोसिस मतलब कि उसमें रिप्रोडक्टिव सेल, दैट इज योर ओवियम एंड स्पर्म का वो डिवीजन होना। अब मेंडल भैया ने तो दे दिया अपना सेग्रीगेशन एंड असॉर्टमेंट थ्योरी, अब बाद में उसी को और डिफाइन किया, उसको बोल दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और जब थोड़ा सा और किया तो बाद में पता लगा कि भैया जो जीन्स हैं, ठीक है, जो जीन्स हैं, अब जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था कि भैया हम एक दूसरे को मतलब ही नहीं है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अदर जीन। ठीक है, वो बाद में पता लगा यार ये तो गलत बात है। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया लिंक जीन्स का, उन्होंने देखा कि यार नहीं यार, ये जो कुछ जीन्स हैं वो आपस में बड़े क्लोजली कनेक्टेड हैं, और ये जो है आपस में एक दूसरे को इफेक्ट भी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, इसको चेंज करते हैं, और लिंक जीन्स का एक कॉन्सेप्ट है। अब हुआ क्या, फिर और चीजें आने लगी। ठीक है, और चीजें क्या आने लगी, आपका आपका आ गया रिकॉम्बिनेशन। देखो, आपके अंदर जो चेंज आता है ना भाई, आपके जीन्स हैं, अगर मैं आपके पापा के जीन्स एकदम आपके अंदर कॉपी कर दूं ना, तो आप एकदम अपने पापा की तरह उतनी ही हाइट, उतनी ही वैसे ही आंखें वैसे देखने लगेंगे। बट देन प्रकृति का नियम है भैया, दो आदमी जैसे नहीं दिख सकते, तो उसमें क्या होता है, चेंज होता है। अब वो चेंज कैसे आता है, या तो वो रिकॉम्बिनेशन से आता है या म्यूटेशन से आता है। वैसे तो वो रिकॉम्बिनेशन से ही आता है, क्योंकि आप जो हैं अपने माता पिता के जीन्स का कॉम्बिनेशन है, मम्मी एंड पापा के जीन्स का कॉम्बिनेशन है आप लोग। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है कि एक टाइप से आप मान लो कि खुद ही चेंज हो जाना, तो म्यूटेशन भी वेरिएशन दिखाता है। जब म्यूटेशन होती है तो बेसिकली जैसे लोगों को कैंसर वगैरह हो जाता है, तो कैंसर वगैरह क्यों होता है, क्योंकि आपके सेल्स में म्यूटेशन हो जाती है, सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाता है। ठीक है, और वो किसकी वजह से होता है, म्यूटेशन, देयर इज म्यूटेशन इन द सेल्स। ठीक है, अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोलती है, उन्होंने भैया सब कुछ पढ़ा लिखा तो उन्होंने पाया कि यार जो क्रोमोसोम, हमने आपको बताया क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम ऐसे दिखते हैं कुछ कुछ। ठीक है, टीलोमियर, मीजोमियर होता है, सब छोड़ दो, बीच वाले को मीजोमियर बोलते हैं, साइड को टीलोमियर बोलते हैं, ये क्रोमोसोमल एबरेशंस में आप लोग पढ़ते हैं। बट देन छोड़िए उस बात को, उन्होंने कहा कि यार ह्यूमंस में जो है हमें पता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं, इसमें से उन्होंने बोला 22 पेयर तो ऑटोजोम है। ऑटोजोम का मतलब हो गया ये मदर एंड फादर में सेम है, या मेल एंड फीमेल में सेम है, सेम मेल या फीमेल में सेम है। ठीक है, तो दूसरे जो 23वां पेयर था, 23rd जो पेयर था, उसको बोला गया एलोजोम, क्योंकि ये अलग था। तो ये पेयर कौन सा था, ये मेल में तो था XY और फीमेल में था XX। ठीक है, तो 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स आर ऑटोजोम्स, दैट इज दे आर सिमिलर। आप एक लड़का है चाहे लड़की है, आपके अंदर जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स है, 21 22 ऐसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं में ही जब प्रॉब्लम्स आती हैं उसी से हम उसी को हम क्रोमोजोमल एब्रेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे क्रोमोजोमल एब्रेशंस क्या होते हैं। उन्होंने बोला कि 22 पेयर तो सेम ही है, उसको उन्होंने बोल दिया ऑटोजोम, ये तो हर व्यक्ति में होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। 23rd उन्होंने बोला कि ये आपका सेक्स क्रोमोजोम है, ये आपको अलग बनाता है, जो कि मेल्स में था XY एंड फीमेल में जो था XX। ठीक है, अब होता क्या है,
और इसी को फिर स्टडी किया, एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बना दिया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बना दिया तो उन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बोला कि हम जो हैं पूरी ह्यूमन का जीनोम पढ़ के रहेंगे, पूरा स्टडी करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के। भैया सेक्स कैसे डिटर्मिन होता है? तो मैंने आपको बता दिया भाई 22 पेयर तो ऑटोजोम है, 23rd जो पेयर है वो अलग है। तो वो मेल में एक्स वाई है और फीमेल में एक्स एक्स है। तो अगर भैया अगर किसी नए बच्चे का जन्म होना है तो ये एक्स वाई और एक्स एक्स एक साथ आएंगे। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कर लो, गैमेट अलग अलग क्या हो जाएंगे इसके, एक्स वाई ये हो जाएगा एक्स एक्स। ठीक है, अब देखो आप जो लोग भैया लड़कियों को वो बोलते हैं कि इसकी वजह से लड़का नहीं हुआ, उन्हें बेवकूफ लोग क्यों बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब भैया ये एक्स आ गया, पहला जो प्रोबेबिलिटी होगी या ये एक्स इस एक्स से मिल गया तो आपका बन गया एक्स एक्स, तो आपकी क्या हो गई, फीमेल हो गई, बिटिया हो गई। ये वाई इस एक्स से मिल गया तो ये एक्स वाई बन गया, मतलब बेटा हो गया। ठीक है, ये एक्स ये वाई से मिल गया, मतलब एक्स वाई वाई एक्स एक ही बात है, ये भी मेल हो गया मतलब बेटा हो गया। और ये वाई इस एक्स, सॉरी एक और एक्स एक्स आएगा, ये वाला एक्स इस एक्स से मिलेगा, फिर ये वाला एक्स ये वाले एक्स से मिलेगा, चौथा जो आएगा। ठीक है, तो फिर आपको क्या हो गया, फीमेल हो गया। तो आप क्या देख सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति आपस में आ रहे हैं तो देर इज द 50-50% चांस ऑफ देयर बींग अ बॉय और अ गर्ल, एंड पीपल हु यू नो टॉन्ट्स वुमेन और यू नो बहुत बुरी हालत है इंडिया में, तो जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, इतना प्रेशर रहता है। मैं तो देखता हूँ, एक अभी इकोनॉमिक सर्वे में एक सन मेटा प्रेफरेंस आई थी, आपने भी देखा होगा अपना अराउंड कि कई बार क्या होता है कुछ घरों में मतलब 6 बेटी हैं और 7वां बेटा है, उसको बोलते हैं सन मेटा प्रेफरेंस। जब तक लड़का नहीं होगा भैया तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक लगे रहेंगे, तो हमें लगे नहीं रहने हैं। ठीक है, और जो लोग ये बोलते हैं कि किसी की लड़की की वजह से लड़की हुई, जो कि एक माइंडसेट है, तो भैया जो ये एक्स वाई क्रोमोजोम है ना, ये मेल में होता है, तो मेल इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि बेटा होगा या बेटी होगी। वुमेन्स के पास तो एक्स एक्स ही है, वो तो अपना एक्स ही देंगी, ठीक है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, बट देन इट इज द मेल्स हु हैज टू डिसाइड। तो इफ समबडी हैज टू बी ब्लेम्ड, दैट हैज टू बी मेल्स नॉट फीमेल्स इन दिस सोसाइटी। ठीक है, इसीलिए उन लोगों को मैंने कहा था कि उन लोगों को बेवकूफ बताया है जो लोग सोचते हैं कि ये खाने से मेल हो जाएगा और ये कर लेने से मेल हो जाएगा या फीमेल होगा। बायोलॉजी ये बोलती है कि देर आर 50-50 चांसेस ऑफ यू हैविंग अ मेल गर्ल मेल चाइल्ड और अ फीमेल चाइल्ड, एंड वट एवर इट इज यू शुड बी हैप्पी बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी गुड नाइस। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार म्यूटेशन हो जाती हैं और दिक्कत आ जाती है, तो आपके डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। डिसऑर्डर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं, एक क्रोमोसोमल एबरेशन होते हैं। ठीक है, मेंडेलियन देख लेते हैं। देखो मेंडेलियन कैसे हो गए, मेंडेलियन वो होते हैं कि जिसमें कि सिंगल जीन में म्यूटेशन हो जाता है, जैसे आपका हेमोफीलिया, आपका सिकल सेल अनेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल किटोनेरिया, थैलेसीमिया, ब्लड की जो बीमारी होती है। ठीक है, ये सब क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, अब एक मैं छोटा सा आपको चार्ट बनाता हूँ हेमोफीलिया का। देखो हेमोफीलिया क्या है कि एक एक्स लिंक्ड है, मैंने आपको बताया कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन से हैं जो सिंगल जीन के इफेक्ट होने से हो रहे हैं। तो हीमोफीलिया जो है वो एक्स लिंक्ड है, मतलब एक्स होना उसके लिए जरूरी है, और कोई भी ह्यूमन है तो उसके अंदर एक्स हो गई होगा। अब या तो आपके फादर अफेक्टेड हो हीमोफीलिया से या आपकी मदर, दोनों ही केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस ले लेते हैं, अगर आपके फादर करियर हैं या उनको हीमोफीलिया है, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स वाई एक्स एक्स। ठीक है, अब ये वाला जो एक्स है ये आपका हेमोफिलिक अफेक्टेड है, क्योंकि आपके फर्स्ट केस में क्या है, फादर हेमोफिलिक अफेक्टेड है। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब क्रॉस किया आपने एक्स 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 वाई एक्स वाई एक्स, फीमेल फीमेल मेल मेल। तो जब अगर फादर करियर होंगे या फादर को हीमोफीलिया होगा, तो जादू क्या, दुख की बात यह है कि सिर्फ जो हम फीमेल्स हैं, जो बिटियां होंगी, सिर्फ उन्हीं को
हीमोफीलिया होगा। मेल्स को हीमोफीलिया नहीं होगा अगर फादर करियर है। मैं दोबारा बता दूं, अगर फादर करियर है तो ये एक्स सिर्फ फीमेल तक ही जा रहा है, क्योंकि ये वाला एक्स आपका मेल्स में नहीं जा रहा है। मेल्स विल बी नॉट अफेक्टेड एट ऑल, ठीक है, एंड ऑल डॉटर्स विल बी अफेक्टेड। अगर फादर को हीमोफीलिया है तो ऑल डॉटर्स मे बी अ करियर और दे मे बी अफेक्टेड बाय और दे मे हैव द सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया, ठीक है। अब बात करते हैं अगर केस टू की, अगर मदर को है तो फादर का एक्स वाई हो गया, मदर का एक एक्स खराब है, ठीक है, क्योंकि उनको हेमोफीलिया है, तो दूसरा एक्स ठीक है। अब कर लेते हैं, ये एक एक्स, ये वाला खराब वाला एक्स आ गया, एक यहाँ खराब वाला एक्स आ गया, ये वाला एक्स ठीक है, ठीक है, ये वाई एक्स ठीक है, और ये वाला एक वाई एक्स खराब आ गया दोबारा, ठीक है। तो मतलब ये है कि भैया देर आर 50% चांस कि जो भी बर्थ हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको 50% चांस है कि वो हेमोफीलिया होगा या नहीं होगा। आइदर दैट देर इज अ 50% चांस दैट द चाइल्ड बॉर्न विल हैव हेमोफीलिया नो, ठीक है। ये तो हो गया मेंडेलियन डिसऑर्डर, ऐसे सिकल सेल एनीमिया का भी निकालते हैं। अब बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की, ये क्यों होते हैं। अब देखो क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम्स आपके डीएनए पे होते हैं। क्रोमोसोम्स किस चीज से बनते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर भी एक चीज होती है, क्रोमेटिड्स बोलते हैं उसको। अब कई बार क्या होता है कि ये क्योंकि जब नॉर्मल डिवीजन होता है सेल का, कई बार क्या होता है ये क्रोमेटिड्स डिवाइड नहीं हो पाते हैं, ठीक है, इनका डिवीजन नहीं हो पाता है। तो जब सेल डिवीजन होता है, जब उसकी साइकिल होती है, तो कई बार क्या होता है, या तो एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है या एक क्रोमोसोम का नुकसान हो जाता है, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। दोनों ही केस में, चाहे वो कम हो चाहे बढ़े, उसको एन्यूप्लाइडी बोलते हैं, एन्यूप्लाइडी, ठीक है। अब ऐसे करके हमारे पास तीन सिंड्रोम है, वैसे तो बहुत सारे हैं बट मैं आपको तीन का एग्जांपल दे रहा हूं। एक है डाउन सिंड्रोम। देखो डाउन सिंड्रोम होता है ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर। अब क्या होता है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग शेप क्रोमोसोम्स भी अलग अलग साइजेस के होते हैं, वाई क्रोमोसोम छोटा होता है एक्स से, याद रखना, ठीक है। ट्राइसोमी क्या हो गया कि आपके 21st जो पेयर है भाई, बाकी जो पेयर है सब नॉर्मल है, सब में दो दो क्रोमोसोम है, ठीक है, 1, 3, 4। जैसे ही आप 21st क्रोमोसोम पे पहुंचते हैं, वहां आपके पास तीन क्रोमोसोम आ जाते हैं। होने कितने चाहिए थे दो, बट होते कितने हैं तीन। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर, ठीक है, ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर, या ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कि आपके 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम है, होने दो चाहिए थे लेकिन वहां तीन है, जिसकी वजह से आपको डाउन सिंड्रोम्स होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। अच्छा होता क्या है कि एक बार बॉडी टेस्ट होता है, उससे आप ये पता लगा सकते हैं बेसिकली, जब बच्चा फिटस में होता है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब बच्चा फिटस में हो, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे आप जो है अपने जितने भी टेस्ट हो अच्छे से करवाएं, उसमें एक बार बॉडी टेस्ट भी होता है, जिसमें कि यूट्राइन फ्लूड लेके उसको चेक किया जाता है। खैर बात की बात है, ठीक है, उससे जो है आपको पता जाएगा कि आपके बच्चे को कॉग्निटिव डिसऑर्डर से तो नहीं गुजर रहा है। इसको किसने दिया था, इसको लैंगडन डाउन ने दिया था, लैंगडन डाउन ने दिया था इन द ईयर 1866। उसके बाद है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, बेसिकली 47th एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है आपके पास 46 में, जब आप सेक्स क्रोमोसोम में पहुंचते हैं, तो एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल क्या होना चाहिए था, वाई होना, एक्स वाई होना चाहिए था, हो क्या जाता है आपके पास एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, तो आपका क्या बन जाता है, वो सिन जो क्रोमोसोम होता है वो बन जाता है आपका एक्स एक्स वाई। अब इसमें क्या होना है कि ये एक्स एक्स वाई है कि एक्स एक्स, तो क्या आपका फीमेल तो डोमिनेंट रहेगा लेकिन इसमें वाई भी है, तो मैस्कुलिन डेवलपमेंट होती है। इसमें जो लोग क्लाइनफेंट होते हैं, गायनेकोमिस्टिया हो जाता है। देखो गायनेकोमिस्टिया क्या हो जाता है, गायनेकोमिस्टिया क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज, ठीक है। उन जो पुरुष हैं उसमें जो है इन थोड़ा सा एनहेंस हो जाते हैं उनके ब्रेस्ट टिश्यूज, उसको बोलते हैं गायनेकोमिस्टिया। अब बड़ी नॉर्मल सी बीमारी है, सर्जरी से ठीक हो जाती है, बचपन से होती है कुछ बच्चों को, कुछ को और
एक एज रिलेटेड गायनो मिस्टेक भी होता है जो कि आप एज के अनुसार जब बाद में पहुंचते हैं तो उनको होता है। गायनो मिस्टेक बहुत तरीके से हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो इंडिविजुअल होते हैं स्टेराइल होते हैं, मतलब ये आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही टर्नर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम के भी जो इंडिविजुअल होते हैं वो भी स्टेराइल होते हैं। ये वो महिलाएं होती हैं, मतलब एक्चुअली ये फीमेल्स होती हैं, ठीक है, जिनके 40, जैसे जो 45th आपका क्रोमोजोम होता है वहां पे एक क्रोमोजोम एब्सेंट होता है, ये XO करके हो जाता है या X0 होता है। तो ये वो फीमेल्स होती हैं जिनके पास, मतलब दे हैव ओवरीज बट देन दैट ओवरीज डजंट फंक्शन एंड यू नो अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर ऑल्सो लैकिंग इन दैट पर्टिकुलर फीमेल एंड दस दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। बट देन इट्स ओके, ओके, नथिंग टू वरी अबाउट इफ यू हैव एनी ऑफ दिस सिंड्रोम्स। मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड गो थ्रू दिस, बट देन समटाइम्स इट इज अ बिग मेंटल ब्लॉकेज एंड अ यू नो कॉज ऑफ डिप्रेशन फॉर मैनी, बट देन यू गाइज डोंट वरी, ठीक है। एंड इफ समबडी इज यू नो इन योर विसिनिटी और फ्रेंड्स हैविंग सेम थिंग, देन यू शुड बी वेरी सेंसिटिव, बी वेरी सेंसिटिव अबाउट इट, यू नो, एंड दैट्स वट ह्यूमैनिज्म एंड ह्यूमैनिटी स्टैंड्स फॉर, यू नो। तो आप जब पढ़ रहे हो तो आप पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ चीज़ों को सीखना नहीं है, उन्हें समझना भी है और उन्हें समझ के उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करना भी है। एंड ऑन दैट नोट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी लेक्चर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई विश यू अ वेरी हैप्पी डे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, कीप हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।